हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मैथ्स। सो अपने इस चैनल में मैं वैदिक मैथ्स के कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आती हूँ जो आपके मैथ्स को बहुत क्विक एंड इजी कर देता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन का वो ट्रिक बताया था जो कि किसी भी तरीके के नंबर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ वो ट्रिक जो आपका केवल जो नंबर्स आपके 100 के पास के नंबर्स हैं वो नंबर्स आप इस ट्रिक से कर सकते हो। लेकिन दिस ट्रिक इज वेरी वेरी क्विक एंड वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेस क्या होता है। बेस मतलब 10, 100, 1000, 10,000 यानी 1 and 0s, वो आपका हो गया बेस। तो आज जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे वो आपके 100 tens यानी बेस के पास के नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। पहले मैं लेती हूं 97 मल्टीप्लाइड बाय 95। यू कैन सी बोथ नंबर्स आर क्लोजर टू 100, तो बेस हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। तो 97 को 100 यानी कि वो 100 से कितना लेस है, 3 लेस है। ओके, एंड 95 5 लेस है। ठीक है, तो 93 3 लेस है, 95 5 लेस है। अब क्या कैलकुलेशन करनी है, 97 को आप देखेंगे यू, 97 माइनस 5, सो 97 माइनस 5 इज 92। ओके, आप ये देखेंगे दोनों तरफ सेम नंबर आएगा। अगर आप 95 माइनस 3 करेंगे तब भी 92 मिलेगा, 97 माइनस 5 करेंगे तब भी आपको 92 ही मिलेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं बेस से, यानी दो जीरोस इंक्रीज हो गए आपके। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 50 और साइन यानी माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 15 एंड आंसर इज 9215। क्विक इजी है कि नहीं, मतलब मुझे खुद इतना अच्छा लगता है इसको करने में। क्यों, क्योंकि ये मेंटल है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 95 एंड 97 का, यानी कि जो 100 से लेस नंबर्स थे। चलिए अब 100 से प्लस वाले नंबर्स लेते हैं। 106 मल्टीप्लाइड बाय 109। ओके, सो 106 आपका 6 प्लस है, 109 आपका 9 प्लस है। ठीक है, कैलकुलेशन, 106 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा, 115, सेम 109 प्लस 6 करेंगे 115, यानी कि सेम नंबर आता है 115। इसको आपने बेस से मल्टीप्लाई किया, बेस इज 100 00। अब 6 नाइन्स आ, अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 नाइन्स आ 54, एड करेंगे प्लस प्लस इज प्लस, 11554। इजी। चलिए अब ऐसा नंबर लेते हैं जो एक प्लस का एक माइनस का हो, कैसे, 93 मल्टीप्लाइड बाय 112। 93 आपका क्या है, 7 लेस है, 100 में से कितना लेस है, 7 लेस है, 112 कितना प्लस है, 12। चलिए चेक करते हैं, 93 प्लस 12 is what, 93 plus 12 is 105, और 112 minus 7 is again 105, तो 105 कैसे आया, 93 plus 12 105। बेस से मल्टीप्लाई किया, दो जीरो बढ़ गए। अब 7 12s are 12 7s are 84 84 and plus minus will give you minus, तो आप 84 minus करेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि plus minus will give you minus, okay? So, आप 84 minus करेंगे, 6 1 4 1 0 4 1 6। So, इतना लंबा multiplication कितनी quickly हमने कर लिया ना। चलिए एक question और solve करते हैं। अभी मैं लेती हूँ 105 multiplied by 90। ठीक है, 105 5 plus 90 10 minus 105 minus 10 95 90 plus 5 is 95, so both numbers are coming same, 95 multiplied by base is 100
10 fives are 50, plus minus is minus, so 9450. So as you can see, it's very quick and easy. Aap jo hai hum se mentally bhi kar sakte. Chali, ek question aur karte. 94 multiplied by 99. To 94 mein hamara 6 kam hai, 99 mein hamara 1 less hai. To 94 minus 1 is 93, 99 minus 6 is 93. 9300 plus 6, 9306. So you can see, we have done it in seconds. Seconds mein ye answer hamara nikal aaya. Hardly 5 seconds, 4 seconds. Aur agar aap usko mentally karenge to 3 seconds bhi aa sakta hai. So I hope you have understood this method. You will apply this method, use this method, practice kariye. Aur mere is video ko like kariye, comments kariye, share kariye. Homework baki hai, homework zarur kariyega.